बसी खुदा का भी दखल ना हो। प्लीज आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर, सो प्लीज अंडरस्टैंड मी। सत्य और प्रेम करुणा पर लड़ूंगा। जो झूठ फैलाया जाता है उसको, झूठ को सत्संग करके उसको सत्य में परिभाषित करूंगा। परिस्थिति आदमी की चालक है और कठिनाई आदमी को कठोर शब्द बोलने पर बाध्य कर देती है, फिर आदमी अच्छे बुरे का विवेक गवा देता है। मैं क्या त्रेता का परम ज्ञानी भी मानस में विचलित हो जाता है। राजे महाराजे अपने घर भाग जाओ, लिखा न विधि वैदय विभाव। तो परिस्थिति बस मुझे, मैंने कहा परिस्थिति बस, परिस्थिति आदमी की चालक है। मैंने बात खत्म करी, जैसे तुलसी कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, बात पूरी बात खत्म। बिस्मिल्लाह अर रहमान अर रहीम, बात पूरी बात खत्म। मध्य महाभारतम में पूर्ण रूपेण परमात्मा रूप परमात्मा किसने अर्जुन से कहा, मामे कम शरणम भज, बात पूरी बात खत्म। मीरा ने कहा मेरे तो एक है गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, बात पूरी बात खत्म। बहन जी का विश्वास पूरी आपकी सवाल के साथ हम करना चाहते हैं जी। बीजेपी कह रही है कि राष्ट्र निर्माण के लिए ये चुनाव हो रहा है, तो ऐसे राष्ट्र निर्माण में आप अपने को कहां पाते हैं? आप भी एक प्रत्याशी के रूप में, प्रदेश के रूप में प्रत्याशी है। देखिए ये दुनिया, ये संसार, ये किसी की जागीर नहीं है। ये सारा जहाँ अल्लाह ताला परमात्मा ने बनाया है, पहले वो अपने आप को संभाले तब देश की चिंता करे, क्योंकि वो जहर। आपका नाम लिया जाता है कि आप दबंग किस्म के नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? यार जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। बार बार प्रत्याशी बदला जा रहा है फतेहपुर सीकरी सीट पे। मैंने कल जो उनका नामांकन कराया था उसमें कुछ कमी रह गई थी, इसलिए आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी से फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित जी को प्रत्याशी बनाया गया है, उनका नामांकन हो चुका है। तो जिस तरह से बार बार समीकरण बदले जा रहे हैं, कभी ठाकुर कभी ब्राह्मण जी, अब ये तो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की जो भी उनके द्वारा रिपोर्ट ली जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो उनका निर्णय है, हम लोग उनके निर्णय के साथ है। इससे कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा? कार्यकर्ता माननीय बहन जी के साथ है। गठन जो हमारा समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल से हमारा गठबंधन है, हमारे तीनों दलों के पदाधिकारी कार्यकर्ता समर्थक बहुत उत्साहित हैं, पूरे जोश में हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। बाहरी प्रत्याशी हैं और आगरा में भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, आपराधिक तमाम तरह का इतिहास रहा है, जेल भी रहे, क्या कहना चाहेंगे? वो सब कानून है, वो अपना काम करेगा।